आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 6वीं के बच्चों को जो आपको लर्निंग आउटकम्स की जो है ब्रिज कोर्स की कक्षा 6वीं के बच्चों को एमपी बोर्ड में बुक दी गई है उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हम आज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 86 से लेकर 91 तक का सॉल्यूशन। ये आपकी अंग्रेजी की लर्निंग आउटकम्स ब्रिज कोर्स की बुक है, इसमें पेज नंबर 86 से 91 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, लर्निंग आउटकम आपके दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और इससे पहले के वीडियोस भी आपको देखिए, सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सभी बुक के सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स E512 और E513 का सॉल्यूशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से लर्निंग आउटकम्स E512 दिया हुआ है, छोटी जूनियर आत्मकथा लिखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 आपको यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले प्रश्न है आपका कि कंप्लीट द बायोग्राफी ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री यूजिंग द पैराज गिवेन इन द बॉक्स। दिए गए वाक्यांश की सहायता से लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी को पूर्ण कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर शब्द कुछ दिए गए हैं बॉक्स में, इनको यूज़ करना है आपको। नीचे देखिए यहाँ पर आपको इनको जो यूज़ करना है, जहाँ आपको खाली स्थान दिए गए हैं उनमें आपको जो है इन शब्दों को भरना है। देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको यहाँ देखिए खाली स्थान है आपके, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री वाज, तो सबसे पहले खाली स्थान में आपको भरना है पैट्रियोसम, सो हिज पैट्रियोसम विद इन हिज फैमिली ही वॉज नाउन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हॉनेस्टी मेनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ कॉमनली कॉल्ड बाबूजी ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। आपको देखिए जो जो उत्तर आपको दिख रहा है खालिस्तान में उनको आपको भर लेना है, ये आपका सही सही उत्तर है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से ही गेव द बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेंशन एवेशन ऑफ इंडिया इन 1965। इस स्लोगन जय जवान जय किसान वर्केड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर। ही डेड 11th जनवरी 1966 एट ताशखंड। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न ही 1966 आफ्टर इन हिस डेथ। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे खालिस्तान को भर देना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप भर लीजिए, ये आपका जो पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए आपका पेज नंबर 86 खत्म होता है, पेज नंबर आपका 87 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको देखिए लर्निंग आउटकम्स E513 दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको अनौपचारिक पत्र संदेश व ईमेल लिखते हैं, ये दिया गया है लेटर राइटिंग इंफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी पूरा सॉल्यूशन। आपको बुक लेके बैठना है और पूरा सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करते जाना है। इसमें भी आपका देखिए एक्टिविटी 1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया गया है अनौपचारिक औपचारिक पत्र के अंतर को समझे, आपको अंतर को समझना है। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट एंड इंफॉर्मेट लेटर, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट लेटर। देखिए इस तरीके से फॉर्मल लेटर, तो इंफॉर्मल लेटर में पहले देखिए सेंटर एड्रेस लिखा जाता है, इसमें रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, इसमें डेट लिखी जाती है, इसमें सैल्यूटेशन लिखा जाता है, इसमें भी सैल्यूटेशन लिखा जाता है। इसके बाद देखिए आपको लिखे, इसके बाद लिखा जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें भी बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाता है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका देखिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें भी कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन, फिर इसमें सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, इसमें सिग्नेचर और डेट लिखी जाती है। इस प्रकार से दोनों में जो है अंतर होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी नंबर टू आपको यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, रीड द लेटर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पत्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए पत्र हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए 420 सरदार नगर सीहोर MP 16 फरवरी 2021। डियर प्रिया, हाउ आर यू, आई क्वाइट वेल, देयर हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। यू विल बी ग्लेड टू नाउ दैट माई बर्थडे इज ऑन 28 फरवरी। यू एंड योर फैमिली आर इन्वाइटेड टू अटेंड द माई बर्थडे पार्टी। वी विल हैव ग्रेट फन। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर लवलिंग अर्चना। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपको दिया गया है लेटर, इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए इससे क्वेश्चन निकले, इसके आंसर हम देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट इज बर्थडे लेटर राइटिंग। तो
इसका आंसर आपको लिखना है 16 फरवरी 2021, 2021 16 फरवरी 2021 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको आपको जो है लिख देना है। दूसरा प्रश्न है आपका कि वो हैज़ राइटन द लेटर, लेटर किसने लिखा है, तो लेटर अर्चना ने लिखा है, तो उत्तर आ जाएगा इसका अर्चना। इसके बाद है कि आपका थर्ड प्रश्न है कि टू वूम इज़ द लेटर राइटन, तो इसका आंसर हो जाएगा किसको लिखा गया पत्र, प्रिया को लिखा गया है, प्रिया इसका उत्तर उसका हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि हु एड्रेस द राइटन ऑन द टॉप, तो क्या लिखा गया है, क्या एड्रेस है, तो लिखा ना आपको A42 A420 सरदार नगर सीहोर MP, ये आपको यहाँ एड्रेस यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि हुज बर्थडे इन ऑन 28 फरवरी, किसका बर्थडे है 28 फरवरी को, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अर्चना, अर्चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है हु हैव बीन इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, कौन इनवाइटेड है बर्थडे पार्टी में, तो आंसर लिखना आपको प्रिया एंड हिज फैमिली, तो ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने हमने आपको बता दिए हैं, वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है आपका, एक्टिविटी नंबर 3 है जिसमें आपको क्या बोला गया है, पहला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर, दिए गए पत्र को खाली स्थान भरकर पूर्ण करो। देखिए आपको हिंट यहाँ पर दिया गया है, हिंट क्या दिया गया है, वेल ग्लेड बर्थडे इनवाइटेड पार्टी फन रिगार्ड्स लॉलिंग, तो इन सभी शब्दों की सहायता से आपको लेटर को भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, A420 सरदार नगर COMP 16 फरवरी 2021, आपको देखिए इसको भरना है कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए डियर प्रिया हाउ आर यू आई एम ग्रेट, यहाँ आपको वेल भरना है, हेयर एंड होप यू द सेम फॉर यू, यू विल बी ग्लेड, ग्लेड देखिए यहाँ लिखना है आपको टू नाउ दैट माई बर्थडे इज इन 28 फरवरी, यू एंड यूर फैमिली आर इन्वाइटेड, आ जाएगा इसमें टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, वी विल हैव ग्रेट फन, कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा आंसर हमने आपको दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको लिखना है योर स्लॉलिंग अर्चना, इस तरीके से आपको इसको पूरा भर लेना है, ये आपका जो उत्तर इसका हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप भर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपको कुछ एक्टिविटी नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक्टिविटी 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है आपका कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको इसमें हिंट दिया गया है हेडमास्टर स्कूल पास्ट स्कूल सर्टिफिकेट लिविंग, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपका नीचे से देखिए यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, टू देखिए सबसे पहले आपको लिखना है द हेडमास्टर लिख देना है, उसके बाद देखिए आगे आपको किस तरीके से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भोपाल सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर या मैडम आई पास्ट आ जाएगा फर्स्ट में, क्लास 8th 5th फ्रॉम योर स्कूल हो जाएगा लास्ट ईयर, आई वॉन्ट टू इशू टू सिक एडमिशन इन क्लास 6th, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज़ इश्यू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको भर देना है। यदि आपको वीडियो स्पीड में लग रही है तो आपको वीडियो को रोक रोक कर उत्तर पूरे लिखते जाने हैं। इसके बाद देखिए यूअर ओबिडेंटली कुणाल लिख देना है, आपका जो भी नाम है आपको नीचे लिख देना है। इस प्रकार से देखिए आपको उत्तर यहाँ पर दिख रहे हैं, वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको यह लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं आपका, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इस देखिए आवेदन पत्र को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण करना है, तो लीव प्रिंसिपल स्कूल आपको फीवर यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से जो है पढ़ना है आपको। देखिए टू द प्रिंसिपल फर्स्ट का हो जाएगा, सब्जेक्ट सुभाष स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सर मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा, आई एम अनेबल टू कम स्कूल हो जाएगा, दूसरा काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव हो जाएगा, इस तरीके से। तो आपके स्क्रीन पर देखिए आपको आंसर दिख रहे हैं पूरे छात्रों, वीडियो को रोककर पूरा उत्तर आपको भर लेना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोककर ये पूरा भर लिया होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 आपका यहाँ पर आ जाता है, एक्टिविटी नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है कि गतिविधि शिक्षक गतिविधि निर्देश, सबसे फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, रीड द नोट गिवन बिलो, आपको इनको पढ़ना है। एग्जांपल्स आपको देखिए December 2014-17, 1 PM डियर मनोज वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे 8:10 AM विद द प्ले ग्राउंड 8:30 AM श्याम, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर पंकज राइट अ शॉर्ट नोट एंड इन्फॉर्म यूर friend to that you are going to a picnic with your class teacher
नेक्स्ट डे आस्क हिम टू ड्राइंग योर यू, मतलब आपने टीचर के साथ कहीं जा रहे हैं पिकनिक पर, आपके दोस्त को वो इनवाइट करना है उसमें आने के लिए। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, देखिए डेट यहाँ पर दी हुई है तो डेट लिखना है, टाइम आपको यहाँ लिखना है, जो भी लिखना है डियर फ्रेंड्स इस तरीके से सैल्यूटेशन आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ मैसेज लिखना है, मैसेज कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट टुमारो मॉर्निंग एट 12 AM आई एम एंड ऑल टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आर गोइंग टू भाकरा निगल नागल डैम फॉर पिकनिक, सो यू आर रिक्वेस्टेड दैट इफ़ यू आर ऑल्सो विलिंग टू कम देन टुमारो मॉर्निंग एज सुन एज पॉसिबल गैदर एट द स्कूल इन द यूनिफॉर्म एट 12 PM कुणाल खंडेलकर। इस तरीके से आपको लिख देना है लास्ट में। ये आपका देखिए उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका आपका पहले का। इस तरीके से आपको देखिए पूरा सैल्यूटेशन डेट टाइम और मैसेज इस तरीके से आपको ये पूरा लिख देना है, आपका सही सही उत्तर है। तो वीडियो को रोककर ये पूरा उत्तर आपको भर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको देखिए अगला लर्निंग आउटकम्स है E514, तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। छात्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक टेक केयर।